भवानी के गांव कितलाना के वासी आज आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने के कारण पुलिस अधीक्षक से मिले। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। गौरतलब है कि 7 मार्च को गांव कितलाना वासी दिनेश ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन 2 माह बीत जाने के बावजूद पुलिस ने कोई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मृतक के भाई देवेंद्र ने बताया कि किसी बात को लेकर दोषियों ने उनके भाई दिनेश पर नाजायज दबाव बनाया हुआ था, जिसके कारण सके भाई ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने 2 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे उनके परिवार में भय का माहौल है। भिवानी से जाट टीवी न्यूज के लिए अमन शर्मा की रिपोर्ट। कुछ मिलने आए हैं जी, मेरे भाई को ऊपर ना दबाव बना रहे थे, धमकी दी थी 7/3/2017 को, उसने सुसाइड कर लिया था और पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मतलब हमारे ऊपर उसका फैसले का दबाव दे रहे हैं। क्या नाम था आपके भाई का? दिनेश नाम था जी, 25 साल है। कब का मामला है? 7/3/2017 का जी, 7 मार्च का। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? हाँ जी, कई बार चक्कर लगा चुके हैं पुलिस की, कोई कार्रवाई नहीं की अब तक। आप पाई लोज है 112 नंबर मुकदमा है। आज आप यहाँ किससे मिलने आए और आपकी क्या मांग? हम जी गिरफ्तारी की मांग लेकर एसपी साहब से मिलने आए हैं जी।